बता दें मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव अष्टमी मनाई जाती है। मान्यता ये भी है कि भगवान भैरवनाथ की उत्पत्ति महादेव के अंश से हुई थी। वैसे तो हर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भैरवनाथ की उपासना करने से सभी संकट भय दूर हो जाते हैं और जीवन में निर्भयता आती है। शास्त्र के अनुसार आपको बताएं तो खुद काल भी भैरव से भयभीत रहता है, इसलिए इन्हें काल भैरव के नाम से भी जाना जाता है। बता दे भगवान काल भैरव के आशीर्वाद से व्यक्ति को जीवन में धन, यश और सफलता प्राप्त होती है और रुके हुए सभी काम बनने लगते हैं। वहीं भगवान भैरवनाथ के भक्तों पर कोई टोना टोटका भी असर नहीं करता। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भैरव जयंती के दिन, कालाष्टमी के दिन और रविवार के दिन कैसे भगवान भैरव को खुश कर सकते हैं और इन उपायों को अपनाकर आपके सभी कष्ट दूर होंगे और आपको आपके जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। भैरव अष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद मंदिर जाएं और वहां भगवान भैरव को कच्चे दूध का अभिषेक करें और उन्हें अपने ऊपर कृपा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से भगवान भैरवनाथ बहुत जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। आप भैरव जी के आगे तेल का दिया भी जलाएं, उसके बाद उन्हें गुलाब जामुन, इमरती, नारियल आदि का भोग लगाएं और आप भगवान भैरव को जिस भी चीज़ का भोग लगाएं वो किसी गरीब में भी ज़रूर बांटें। इससे आपके जीवन में मिठास आती है। हम आपको एक और उपाय बताते हैं जिसे करने से भैरवनाथ बेहद ही खुश होते हैं। भैरव अष्टमी के दिन 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काला उड़द और 11 रुपए को एक पोटली में बांधकर भगवान भैरवनाथ के मंदिर में चढ़ा दें। ऐसा करने पर आपके सभी रोग कष्ट दूर होते हैं। भगवान भैरवनाथ को शराब बेहद प्रिय है और भैरव अष्टमी के दिन भैरवनाथ को शराब चढ़ाकर आप अपनी मनोकामनाएं पूरी करवा सकते हैं। आपको बताएं तो काले कुत्ते को भगवान भैरव की सवारी बताया जाता है, इसलिए भैरव अष्टमी के दिन काले कुत्ते को कच्चा दूध पिलाएं, साथ ही जलेबी इमरती भी जरूर खिलाएं। अगर इन उपायों को आप भैरव अष्टमी के दिन अपनाते हैं तो आपको जरूर ही इसके सकारात्मक फल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।